हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान CHO एडमिट कार्ड 2024 की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर ने यहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के 3531 खाली पदों को भरने के लिए एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए हैं। कैसे, कब और कहाँ से आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट indsarkarinaukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन कमीशन RSM SSB ने कुछ दिनों पहले कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO के 3531 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया था। फिर इस नोटिस में 963 वैकेंसी और प्लस कर दी गई थी, तो टोटल 4494 CHO के खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका था। सिलेक्शन आपका रिटर्न टेस्ट के आधार पर होगा। डेट की अगर बात करें तो इस भर्ती के लिए कैंडिडेट से एप्लीकेशन फॉर्म 8 नवंबर 2022 से 7 दिसंबर 2022 के बीच में एक्सेप्ट किए गए थे। अब यहाँ पर आपका CHO का एग्जाम 3 मार्च 2024 को कंडक्ट होने जा रहा है। आप अपने एडमिट कार्ड 26 फरवरी 2024 यानी कि आज ही से डाउनलोड करके एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर RSM SSB CHO एडमिट कार्ड आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर, जी हाँ दोस्तों, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर का ये पोर्टल खुलेगा। यहाँ पर आकर गाइज आपको कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर कॉन्ट्रैक्ट 2022 इस लिंक पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आने के बाद आपको गेट एडमिट कार्ड आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको प्री एग्जाम सेलेक्ट करना है, अपना एप्लीकेशन नंबर एंटर करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट करनी है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और गेट एडमिट कार्ड ऑप्शन पर क्लिक करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होने के बाद कुछ इस तरह से शो होगा। इसमें आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएगी, जैसे कि क्या आपका रिपोर्टिंग टाइम है, कब से कब तक आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, किस वेन्यू पर आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, किन किन चीजों को आप एग्जाम में कैरी कर सकते हो, किन किन चीजों को आप एग्जाम में कैरी नहीं कर सकते हो, सभी जनरल इंस्ट्रक्शंस और डिटेल्स आपको आपके एडमिट कार्ड में प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली रीड आउट करनी है और उसके बाद अपने एडमिट कार्ड का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है और उसके साथ आपको एग्जाम में पार्टिसिपेट करना है। गाइज, आपको अपने एडमिट कार्ड के हार्ड कॉपी प्रिंट आउट के साथ साथ ही अपने साथ एक वैलिड फोटो, एक पहचान पत्र भी एग्जामिनेशन सेंटर पर अपने साथ लेकर जाना होगा, जैसे कि कोई आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। इन दो डॉक्यूमेंट के साथ आपको एग्जाम में पार्टिसिपेट करना है। बिना इनके एग्जामिनर आपको एग्जाम में बैठने के लिए अलाउ नहीं करेगा। गाइज, आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही एग्जाम डेट एंड एडमिट कार्ड नोटिस PDF का लिंक भी दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑफिशियल PDF ओपन हो जाएगी। आप चेकआउट कर सकते हो। आपका सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO का जो भर्ती परीक्षा 2022 थी उसको यहाँ पर पुनः आयोजित किया जा रहा है, जो कि अब यहाँ पर 3 मार्च 2024 को इवनिंग की शिफ्ट में कंडक्ट होगी। आप 3 बजे से 4:30 तक एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हो। साथ ही साथ आप यहां से चेकआउट कर सकते हो। आपके एडमिट कार्ड यहां पर 26/2/2024 यानी आज डिक्लेयर किए जाएंगे, अवेलेबल कराए जाएंगे। आप अपने एडमिट कार्ड rsmssb.rajasthan.gov.in जिस वेबसाइट के थ्रू हमने आपको पूरी स्टेप्स दिखाए हैं, इनको फॉलो करते हो आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। या फिर गाइज, आप अपनी SSO ID से भी अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। आपको अपने इंटरनेट ब्राउजर के एड्रेस बार पर टाइप करना होगा recruitment.rajasthan.gov.in। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आकर आपको गेट एडमिट कार्ड इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको आपके एडमिट कार्ड का लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा CHO के। उसके बाद आपको गेट एडमिट कार्ड ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। फिर आपके सामने यही इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको अपना प्री एग्जाम सेलेक्ट करके अपना एप्लीकेशन नंबर एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है और ये कैप्चा कोड एंटर करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। पूरे प्रोसेस हमने आपको पहले ही बता दिया है, तो इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, ऐसे आप अपना राजस्थान कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर 3531 पोस्ट के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।